Dear students, today we will be dealing Coulomb's law. Coulomb's law, this is method to find nature and magnitude of force between two charged particles. So suppose there are the two point charges. Q1 and Q2. Suppose both are the like charges. Otherwise, you may assume these are the like but the negative charges. You may suppose another situation, the same charges but in the opposite nature. अब अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आप देख सकते हो मैंने यहां पर एक ब्लू पेन यूज किया है और ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो कर रहा है और फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैंने इस पर वेक्टर लगाया है और यहां पर ये क्या होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स शो कर, ये जो फोर्स है अगर आपको याद हो क्लास 11वीं 12वीं में था कि दो चार ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन से पास हो तो इस तरह के फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। ये जो फोर्स है ये है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स उनके सेंटर से होकर पास हो। अगर आपको याद हो ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। नंबर टू, आप अगर गौर से देखो तो मैंने Q1 के ड्यू टू Q2 पे फोर्स निकाला और Q2 के ड्यू टू Q1 पे फोर्स निकाला। इन दोनों फोर्सेस को देखा जाए तो ये फोर्सेस एक्शन रिएक्शन फोर्स है। तो ये तो कूलम्स लॉ के फोर्स का बेसिक नेचर है कि जो आप कहते हो कि लगने वाला फोर्स, नंबर वन सेंट्रीपिटल सेंटर फोर्स है, सेंट्रल फोर्स यानी कि द फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और नंबर टू ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है यानी कि ये न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड फोर्स है। लेकिन अगर मैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालूं, एफ का मैग्नीट्यूड, तो बच्चों ये पाया गया है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के प्रोडक्ट का के प्रपोर्शन होता है। इस बात का मतलब जैसे जैसे मैं Q1 Q2 का प्रोडक्ट बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा प्रोडक्ट उतना ज्यादा फोर्स, ये लीनियर होगा। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होता जाएगा। ये कुछ ऐसे करके आएगा। ये फोर्स जीरो कहां पर होगा, जब डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए तब डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन इंफिनिटी पर जाने पर केवल तब फोर्स। तो ये बेसिक बात है। अगर हम इन दोनों सिचुएशंस को कंबाइन कर लें मतलब एफ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शन टू Q1
q1 q2 ओवर r स्क्वायर। तो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो f इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। हेयर k इज टेकन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट। इसका जो वैल्यू होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप यहां से इसकी यूनिट बना सकते हो, k इक्वल टू F×R² अपॉन q1 q2। तो आप कह सकते हो कि F इक्वल टू 9×10⁹ q1 q2 ओवर r². ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है हेयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की तरह नहीं है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट अगर आपको याद हो तो F इक्वल टू जी, अगर मैं यहां पे लिखता हूं साइड में को कहीं पे, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं साइड में लिखता हूं तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आप देख सकते हो ये फोर्स, ये फोर्स, ये q1 q2, ये m1 m2, बात वही है r स्क्वायर। ये जो था ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, लेकिन यहां पर मैंने इसका नाम केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लिखा है। आप देख सकते हो ये केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू है बच्चों ये डिपेंड करती है, ये जो के है ये के आता है 1/4πε0। अब फिजिक्स है तो फिजिक्स में हर चीज का तो मीनिंग होगा, तो यहां पर 4π क्यों है और ये क्या है, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन, और इसके बीच में लगा हुआ है बिंदु, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, जिसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर मैं परमिटिविटी की बात करूं तो परमिटिविटी प्लस परमिट प्लस विटी, ये परमिटिविटी क्या है, ये परमिटिविटी है, अगर आपको याद हो आपको मैंने बताया था कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या था कि वहां पर एक मैटर था, मैटर को आपने एक चार्ज बॉडी ऑब्जेक्ट के पास में रखा, और वो चार्ज ऑब्जेक्ट अगर आपको याद हो तो ये था कुछ ऐसे कि इस चार्ज ऑब्जेक्ट के पास में जब ये लेकर आए हम तो यहां पर क्या हुआ, नेगेटिव आ गया, यहां पर पॉजिटिव आ गया, ये परमिशन है किसकी, उस मैटर के पोलराइज करने, और जिस मैटर के अंदर जितना ज्यादा पोलराइजेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है यानी कि परमिटिविटी जितनी ज्यादा पाई जाती है उसके अंदर फोर्स उतना कम होता जाता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों ये होती है 8.86×10⁻¹2, यूनिट अपोजिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपके लिए फोर्स का एक्सप्रेशन एक बार फिर से लिखता हूं। जो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा बच्चों वो फोर्स का एक्सप्रेशन एक बार फिर से लिखते हैं, एफ इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 ओवर आर स्क्वायर। तो मैं अगर टर्म्स को अरेंज करूं q1 q2 ओवर ε0 इंटू 1/4πr². अब मैंने यहां से q2 ऐसे रहने दी और q1 यहां ले आया। अब अगर आप गौर से देखो तो q1 अपॉन 4πr² ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लुएंस एरिया ऑफ चार्ज क्यू। ये चार्ज क्यूबन का इन्फ्लुएंस एरिया है, मतलब ये कि मैंने आपसे कहा ये Q1, ये Q2, अगर ये डिस्टेंस R है तो इस बात का मतलब इसके चारों तरफ एक सर्किल बनेगा। आप देख सकते हो वो सर्किल कुछ ऐसा होगा और उसकी रेडियस R होगी और उस रेडियस R में इसका अपना इन्फ्लुएंस होगा। कोई भी चीज यहां पर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यहां पर जो यूज की जा रही है वो पर्पजलेस नहीं है। यहां पे 4π आर स्क्वायर के साथ में मिलेगा, इस बात का मतलब चार्ज Q1 की सिमेट्री, दिस इज द सिमेट्री ऑफ फील्ड। अभी हम बात करेंगे फील्ड क्या है, ये सिमेट्री ऑफ फील्ड है। फील्ड का मतलब हो गया जहां पर फील्ड रीजन इन विच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। फील्ड वो जगह है जहां पर फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है। इसी तरह से मैं Q2 के चारों तरफ बना सकता हूं। अब अगर Q2 की डिस्टेंस R है तो Q2 का भी सरफेस ये बनेगा। आप देख सकते हो ये दोनों के सर्किल आ गए और दोनों के सर्किल आ गए तो ये वाला पार्ट क्या होता है, ओवरलैप होता है, यानी कि दोनों के बीच में केवल इतना पार्ट जो है, ये जो इतना पार्ट आ रहा है, ये इतना पार्ट, ये केवल वो पार्ट है जिसमें एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। तो बात जो कर रहे हो आप वो है, वो जो आप बात कर रहे हो वो है कूलम्स लॉ की। अब कूलम्स लॉ के इक्वेशन को फिर से लेकर चलो, एफ इक्वल टू वन ओवर 4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहां पे हर एक टर्म का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। 4π R स्क्वायर स्फेरिकल सिमेट्री दे रहा है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी दे रहा है, इस बात का मतलब कि नहीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स कुछ ऐसे। ये तब की बात है कि व्हेन चार्जेस आर इन एयर और फ्री स्पेस। If charges are in medium then force will be F equal to 1 over 4 pi epsilon Q1 Q2 over R square। Now अब आप देख सकते हो ये केवल epsilon, इस एप्सिलॉन का नाम हो जाएगा अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम और ये जो होता है एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। दिस एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी और आप इसको कह सकते हो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन। कई जगहों पर इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा जाए। ठीक है, आज के इस सेशन के लिए इतना, इसके आगे बात करेंगे कल सुबह फिर। बच्चों जैसा हमने लास्ट लेक्चर में बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो इमेजिनरी ट्रैक है, जैसे ये दिखाया जा रहा है वो इमेजिनरी ट्रैक है जिसके अलोंग यूनिट चार्ज पर या टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो इमेजिनरी ट्रैक है जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आपको रिवाइज करा देता हूं मैं,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंगल आइसोलेटेड चार्ज उसका फील्ड लाइन, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है दो अलग अलग मैग्नीट्यूड के तो फील्ड लाइंस का पैटर्न, अगर चार्ज पार्टिकल पेयर में है पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल मैग्नीट्यूड का तो उसके लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो उसका फील्ड लाइन देख सकते हैं आप। फिर दो पॉजिटिव सिमिलर सेम मैग्नीट्यूड के उनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट, दो पॉजिटिव अब डिफरेंट मैग्नीट्यूड के जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसकी फील्ड लाइंस ज्यादा, जिसका मैग्नीट्यूड कम उसकी फील्ड लाइंस कम, तो न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज जैसा कि लिखा गया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो नंबर वन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से शुरू होती है नेगेटिव पर खत्म होती है, पहली बात। दूसरी बात, दीज आर स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व दैट मींस दे आर नॉट हैविंग, इनके पास में क्या है शार्प बेंडिंग नहीं होती है, ये बिल्कुल स्मूथ कर्व होते हैं, ठीक है। नंबर थ्री, दीज आर कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस कर्व का मतलब हुआ कि पॉजिटिव से शुरू हुआ, जैसे मैं ये बना रहा हूं तो पॉजिटिव से शुरू हुआ तो ये यहां से लेके चलता जाएगा, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर हैव सडन ब्रेक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कोई सडन ब्रेक नहीं होता है, ठीक। तो बच्चों मैं कह रहा था कि टू फील्ड लाइन ऑफ द सेम चार्ज कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो एक ही चार्ज से जाने वाली दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, यानी कि मैं आपको अगर दूसरा डायग्राम लेकर चलूं, मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी एक फील्ड लाइन ये जा रही है बच्चों, एक फील्ड लाइन ये जा रही है, और आप ये इमेजिन करो कि ये फील्ड लाइन ऐसे करके घूम के आ जाए और इसे इंटरसेक्ट कर दे, तो सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती। या फिर ये मान के चलो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी फील्ड लाइन ऐसे चली जाए और इसकी फील्ड लाइन ऐसे चली जाए, सर ये पॉसिबल नहीं है, एक ही चार्ज की दो फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, तो किसी एक डायरेक्शन में एक ही फील्ड होगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब हो गया कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल, गॉट इट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फील्ड लाइन दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दो पॉजिटिव चार्ज अगर आप गौर से देखो तो दो पॉजिटिव चार्ज आपके पास में ये आ गए, अगर मैं आपसे कहूं कि दो अपोजिट चार्ज तो ये आ गए। अब अगर आप गौर से देखो तो ये लाइन ज्वाइनिंग है, तो फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है टूवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडनली, कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडनली यानी कि लेंथ ज्वाइनिंग के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये लाइन ज्वाइनिंग है, तो फील्ड लाइन एक्सपेंड लेटरली,
तो फील्ड लाइन के अंदर दो करेक्टरिस्टिक हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैं इसको अलग एक डायग्राम बना कर देता हूं आपको फिर से, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही है। तो अगर आपने क्लास 11th में नोट्स और एंटी नोट्स देखे हो, इसके अलावा बहुत सारी फील्ड लाइन्स बनेगी, मैंने केवल आपके लिए केवल दो ही फील्ड लाइन बनाई है क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं होता हमारे पास, ठीक है। तो अगर ये अगर फील्ड लाइन, चलो बनाई देता हूं मैं, तो अगर मैं इन फील्ड लाइन के करेक्टरिस्टिक को देखूं, अगर मैं इन फील्ड लाइन के करेक्टरिस्टिक को देखूं, तो ये फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, ये बिल्कुल वैसा बिहेव कर रही है जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग करता है। स्ट्रेच स्ट्रिंग मतलब आपने एक धागा लिया और उस धागे को आपने दो पॉइंट्स के बीच में क्लैंप कर दिया और बीच में से पकड़कर खींचा और उसे छोड़ देंगे तो सर वो वाइब्रेट करता है। जिन दो पॉइंट्स पर आपने क्लैंप कर रखा है बच्चों, वहां पर नोड बनता है और बीच में एंटी नोड बनता है। तो ये जो जगह है ना, ये नोडल पॉइंट है और ये वाली नट एंटी नोडल है। और अगर देखा जाए तो इसका फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट होती है लॉन्गिट्यूडनली। तो इफ द फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, इट मींस पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर फील्ड लाइन एक्सपेंड लेटरली, यहीं पे अगर मैं मान लीजिए एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव लेकर चलूं, तो फील्ड लाइन बच्चों कुछ ऐसे जाएंगी। और अगर फील्ड लाइन एक्सपेंड हो जाए लेटरली, इसके अलावा भी फील्ड लाइंस बनेंगी, इसे कहते हैं कि एक्सपेंड लेटरली, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर चली गई, उसमें लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल आ गई। आप देख सकते हो ये जो सिचुएशन है, ये एक्सपेंड लेटरली, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन फील्ड लाइन का बिहेवियर है। गॉट इट? ये फील्ड लाइन है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और, हां बेटा, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। मैंने माना मेरे पास में कहीं पर एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू, और मुझसे कहा जा रहा है इस पॉइंट पी पर फील्ड निकालने को। तो जिस पॉइंट पर फील्ड निकालने को कहा जाता है, हम वहां पर क्या रख देते हैं, एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। अब इस टेस्ट चार्ज पर इस सोर्स चार्ज के ड्यू टू क्या होगा बच्चों, फोर्स है। और बच्चों वो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, अगर मैं यहां पे डिस्टेंस को मेजर करूं तो डिस्टेंस भी इसी लाइन पे जाकर मेजर कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट पी, तो डिस्टेंस, यहां मैंने प्लस क्यू नॉट रखा, तो यहां पर एफ पैरेलल टू आर होगा। लेकिन बच्चों अगर मैंने नेगेटिव चार्ज लिया और यहां पे मैंने पॉइंट पी मान लिया, और मैंने यहां पर अगर प्लस क्यू नॉट रख दिया, तो अपी से डिस्टेंस का वेक्टर ये आ जाएगा। अब अगर मैं फोर्स को देखूं, ये फोर्स रहा, ये फोर्स रहा, यूनिट वेक्टर वही मेजर हो रहा है यहां से लेके यहां तक, यूनिट वेक्टर वही मेजर हो रहा है यहां से लेके यहां तक, डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्ट कर गई, यहां पर एफ एंटी पैरेलल टू आर, आती है बात समझ में? मतलब इस चीज को बड़ा ध्यान से लगाना है, आधे से ज्यादा जगहों पर ना इसमें मिसकंसेप्ट मिले। तो इसीलिए इस चीज को करते समय बड़ा ध्यान लगाएंगे। तो मैंने क्या कहा, ये मेरे लिए यहां से लेकर यहां तक आर मेजर हुआ है, तो ये आर जा रहा है, ये मेरे फोर्स की डायरेक्शन है। अगर मैं फोर्स
बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस क्यू नॉट कैलकुलेट करूं तो एफ इक्वल टू यूनिट वेक्टर। अगर मैं यहां से फील्ड स्ट्रेंथ बनाऊंगा तो ई इक्वल टू, पहले लिख दीजिए, नाउ फील्ड स्ट्रेंथ तो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। आप देख सकते हो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास ई का फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर आर। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सारी चीजें ना बड़े आसानी से आगे तक कैरी करके चलेंगे, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है उनमें आपको इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी जब आप कंपेरिजन करेंगे। तो ई का डायरेक्शन आर के सेम डायरेक्शन, यहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ई का डायरेक्शन आर के अपोजिट हो जाता। तो हम काउंटिंग करते समय बड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ कि फील्ड कैसे कैलकुलेट करा जाए ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब मान लीजिए कि दो चार्ज, अब हम लेके चलेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, मान लो यहां पे प्लस क्यू चार्ज, मान लो यहां पे प्लस क्यू चार्ज, तो सर फील्ड लाइन ये क्यू वन ये क्यू टू। अगर मैं फील्ड लाइन का पैटर्न दिखाता तो मैं बार बार बना रहा हूं बच्चों ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप भी डायग्राम अच्छे से बनाओ। इससे मेरे डायग्राम थोड़े से आप देख सकते हो ये फील्ड लाइन का पैटर्न मैंने आपको दिखाया। अब ये जगह जो है इस जगह को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। अब इस जगह को मैं विजुलाइज कैसे करूंगा, मैंने मान लिया ये प्लस क्यू चार्ज ये क्यू वन है, ये प्लस क्यू टू चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस आर, मैंने माना कि यहां पर एक प्लस क्यू नॉट रख दिया गया। तो जब मैं प्लस क्यू नॉट रख दूंगा तो ये प्लस क्यू उस पर फोर्स लगाएगा एफ वन, ये माइनस क्यू उस पर लगाएगा एफ टू। F1 फोर्स बिटवीन प्लस Q1 एंड Q0, ये डिस्टेंस मैंने x मान ली या x1 मान ली, ये डिस्टेंस मैंने x2 मान ली। F2 हो गया फोर्स बिटवीन प्लस Q2 एंड प्लस Q0। तो अब अगर इनके मैग्नीट्यूड लिखे जाएंगे तो F1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q0 ओवर X1 स्क्वायर F2 इक्वल टू 1/4πε0 Q2 Q0 ओवर X2 स्क्वायर हेयर x1 प्लस x2 इक्वल टू r कहो या x को, मैंने x मान लिया दोनों के बीच की डिस्टेंस को, ठीक। तो x2 को या चलो बाद में बात करता हूं इस बारे में, एट न्यूट्रल पॉइंट पर क्या होगा, F1 माइनस F2 इक्वल टू जीरो। और आप यह भी कह सकते हो कि E1 माइनस E2 इक्वल टू जीरो, यानी कि इस जगह पर दोनों फील्ड बराबर हैं या फिर लगने वाले यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स बराबर है। तो आप कह सकते हो कि F1 इक्वल टू F2 है या E1 इक्वल टू E2 है। अब अगर मैं दोनों की वैल्यू पुट करूंगा 1/4πε0 Q1
q1 q0 over x1 square equal to 1 over 4 pi epsilon naught q2 q0 over x2 square. q0 से q0 गया, 4 pi epsilon naught से 4 pi epsilon naught गया बच्चों. ये रह गया q1 upon q2 equal to x1 square upon x2 square. मैं इसको अब सॉल्व कर सकता हूं, q1 upon q2 equal to x1 upon x2. तो अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर याद करो, मैंने आपसे कहा था कि इफ q1 equal to q2 देन x1 equal to x2 दैट इज x/2 फ्रॉम दिस इक्वेशन. मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई. यानी कि अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो न्यूट्रल पॉइंट बच्चों बीच में मिलेगा. और यहीं पे अगर q1 ग्रेटर देन q2 हो गया तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, तो x1 ग्रेटर देन x2 होगा, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट q1 से ज्यादा दूर पर होगा और q2 के पास होगा. ये न्यूट्रल पॉइंट अभी अपन लोगों ने जो बनाया ये कहां बनाया, ये बनाया हमने दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में. ठीक है, आप इसी तरह से एक्सरसाइज करके रखोगे अपने लिए कि मान लीजिएगा, मैं इसको अगले सेशन में लेकर चलूंगा कुछ न्यूमेरिकल के साथ में, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ में. मान लीजिए कि आपके पास में एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज. तो एक बात ध्यान रखना कि इफ प्लस q1 इक्वल टू माइनस ऑफ q2 देन नो न्यूट्रल पॉइंट. That is at that is for two equal and opposite charges. Field strength will never be zero. Field strength यहां पे specify कर देता हूं मैं, resultant field strength will never be zero. Resultant field strength कभी भी zero नहीं होगी. ठीक, लेकिन यहीं पे अगर हो जाए प्लस q1 माइनस q2, प्लस q1 इज ग्रेटर देन माइनस q2, तो हम मान के चलते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट यहां कहीं पर है. अगर ये डिस्टेंस x है तो मैं इस डिस्टेंस को x2 लूंगा, और बच्चों ये वाली डिस्टेंस मैं x1 मानूंगा. या आपने अपने लिए वर्कआउट करना है कि यहां पर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा. आई होप दैट यू कैन डू इट. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब लाइन अलोंग विच फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्सप्लेन. मान लीजिए कि मैंने कहा प्लस क्यू चार्ज ये है बच्चों, अगर मैंने प्लस क्यू नॉट यहां पे रखा तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा.
जिस लाइन के थ्रू ये फोर्स लग रहा है, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लॉट करना सीखा था। हमने देखा था कि प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी थी, आउटवर्ड यह आइसोलेटेड पॉजिटिव है बेटा। अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो उसका फील्ड लाइन कुछ ऐसे है। ठीक है, तो हमने चार्ज किए साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लॉट कर। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव पर जाकर क्या होगी, खत्म। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी है। अगर देखा जाए तो ये था अपना, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइन से जा रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से शुरू होगा और नेगेटिव पर क्या होगा, खत्म होगा। नंबर टू, दीज आर स्मूथ कर्व। अब स्मूथ कर्व का मतलब ये अपने आप में बेंड नहीं होगी कभी भी, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, और अगर मैं इसके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो इसका पाथ क्या होगा, बेंड हो जाएगा। ये स्मूथ कर्व है, इसमें एंगल नहीं बनेगा। यानी कि कोई भी फील्ड लाइन कभी भी ऐसे नहीं होगी कि चलता हुआ ये जा रही है फील्ड लाइन और ऐसे करके ऐसे मुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे आर ऑलवेज स्मूथ कर। नंबर थ्री, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप। बच्चों क्लोज लूप का मतलब क्या है, क्लोज लूप का मतलब होता है कि जहां से चले वहां लौट आए। लेकिन यहां पर देखा क्या गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे जाके खत्म हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, इट इज ओनली ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नंबर फोर, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन फील्ड लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस बात का मतलब, अगर मान लीजिए मेरे पास में ये डायग्राम, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, अगर मैं इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी, अगर मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करूं तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो कर्व के